हेलो जहीन, हाउ आर यू? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बहुत ज्यादा जोश में तो नहीं चल रही होगी क्योंकि अभी अभी एग्जाम हुआ है, बट जिनका भी पेपर नहीं क्लियर हुआ है, आई एम श्योर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है एंड यू आर बैक टू योर बेसिक्स। हेलो चलो, या द ऑडियो इज क्लियर, फटाफट से क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स पे, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, सो दैट एनीबडी एंड एनी एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन दी क्लास। एंड वी विल स्टार्ट। आज हम इंडियन ड्रेनेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन ड्रेनेज में हम पूरे इंडिया की रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, गंगा सिस्टम, द इंडस सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। और आज आपको पता चलेगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपके रिवर से, कितने हर बार कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन रिवर से बन जाता है एग्जामिनेशन में, एंड मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। सो दैट वे इट विल यू विल नो दैट सबसे इंपॉर्टेंट बुक, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, सो आपकी एनसीईआरटी आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। 11th और 12th का एनसीईआरटी भी अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, सो यू विल हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ क्लियरिंग दी ज्योग्राफी क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन। माई नेम इज प्राची सोनी और मैंने वेरियस एग्जामिनेशन क्लियर करे हुए हैं, इंक्लूडिंग सीडीएस, एफकैट, एसएसबी में 3 बार रिकमेंडेड हूँ मैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली से पढ़ी हूँ। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन दी चैनल और यू कैन सिंपली सर्च प्राची सोनी बायजूस एग्जाम प्रेप। फटाफट से क्लास का लिंक शेयर कर दो यार, क्विकली, फिर हम शुरू करेंगे। शेयर द लिंक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, चैप्टर 3। मैं भी लिंक शेयर कर देती हूँ फटाफट से एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो मैंने एज यूजुअल मैंने आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, सो दैट आपको कोई भी तरीके की कंफ्यूजन ना। सो द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स, चेंज कर लेते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड चैनल का मतलब एक फिक्स्ड रास्ते से जब पानी जाता है, उस रास्ते को, उस वेल डिफाइंड रास्ते को, उस पानी को हम ड्रेनेज बोलते हैं। और इन्हीं अलग अलग ड्रेनेज के नेटवर्क को हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज एन आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। किसी का कुछ मैसेज आया नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा। गुड इवनिंग प्रियंका, हाय, हाउ आर यू? जय हिंद। बिल्कुल होगी यार, बिल्कुल होगी उपासना, बिल्कुल क्लासेस होंगी, सबके लिए होंगी, फॉर एवरीबडी। सो गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीबडी। सो द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया, ये आउटकम होता है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का, नेचर का, और टोपोग्राफी, रॉक्स, स्लोप, ये सारी चीजें मिला के आपका ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। और रिवर ड्रेन जो है, जब रिवर है जो अपना पानी ड्रेन करती है, वो एक स्पेसिफिक रास्ते से पानी लेकर आती है और आगे लेकर जाती है। तो ये जो रिवर का सोर्स होता है, जहां से रिवर पानी लेकर आ रही है, इस रिवर के सोर्स को हम उसका कैचमेंट एरिया बोलते हैं। याद रखना, रिवर के सोर्स को हम उसका कैचमेंट एरिया बोलते हैं। एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। रिवर, उसकी जुड़ी हुई ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो भी, ये जितना एरिया कवर करती हैं, इस एरिया को क्या बोला जाता है? ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। ड्रेन यानी कि रिवर के बहने के कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ सिस्टम को ये फॉलो करते हैं, एक सेट पैटर्न में फ्लो करते हैं। जैसे कि देयर इज डेंड्रियाटिक पैटर्न है, रेडियल पैटर्न है, ट्रेलिस पैटर्न है और सेंट्रीपिटल पैटर्न है। मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हैं। तो जो ट्री लाइक है, यानी कि जो ब्रांचेस ऑफ ट्री सिग्निफाई करता है, इसको हम डेंड्रियाटिक पैटर्न बोलते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं रेडियल पैटर्न में क्या है। रेडियल पैटर्न में एक पहाड़ है जिसके चारों तरफ से नदियां अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। ये आपका रेडियल पैटर्न हो गया।
नेक्स्ट आपकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ट्रेलिस। ट्रेलिस कहाँ है? आप ये देखो रिक्टैंग, ये रहा ट्रेलिस इज जो रिवर्स हैं, बाकी उनकी ट्रिब्यूटरीज उनको 90 डिग्री पे ज्वाइन करती है, एसी रिवर्स को हम ट्रेलिस बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल क्या होता है? सेंट्रीपिटल में एक ऐसा लेक टाइप होगी या पॉन्ड होगा जिसमें चारों तरफ डायरेक्शन से पानी आकर इकट्ठा होता है, यानी कि रिवर्स वहां पे आके पानी को फ्रॉम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक और इनटू अ डिप्रेशन, इसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। मैच दी फॉलोइंग में आ चुका है, अगर आप लोगों ने पहले पीवाईक्यूज लगाए हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ड्रेनेज पैटर्न्स पे मल्टीपल टाइम सीरीज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ अगर हम रिवर्स की बात करें, क्या रिवर्स हैं, तो सबसे ऊपर नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो नॉर्थ में वी हैव इंडस रिवर। इंडस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। देन वी हैव गंगा रिवर, और गंगा की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। आप गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यमुना। गंगा की गोमती है, घग्गर है, गंडक है, कोसी है। फिर यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेटवा हो गया और केन हो गया। गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको हम सोन बोलते हैं। देन वी हैव ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि लोहित है, तीसा है, सुबनश्री है, कामेंग है। राजस्थान में बहने वाली रिवर है लूनी रिवर है जिसका नाम। एंड इधर आपकी गुजरात में साबरमती रिवर और माही रिवर है। नर्मदा तापी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी, जो कि अरेबियन सी में पानी ड्रेन कर रही हैं। देन यू हैव महानदी रिवर है, आपके पास गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, कावेरी रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, पेन गंगा, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रिवर्स हैं। अब आपने यहाँ पे एक लाइन नोटिस करी, अगर ये लाइन, ये आगे भी थी यहाँ पर, ये क्या है? ये जो लाइन है ये हमारी स्लोप ऑफ रिवर है। स्लोप ऑफ इंडियन रिवर्स का मतलब जितनी भी रिवर्स इस लाइन के राइट हैंड साइड में बहती हैं वो सारी की सारी रिवर्स अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, और जितनी भी रिवर्स इस लाइन के लेफ्ट साइड में बहती हैं वो सारी की सारी अपना पानी अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। हाय रॉबिन, हाउ आर यू? सो वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम दी अदर इज नोन एज वॉटरशेड। जब एक ड्रेनेज बेसिन यहाँ पे हो, दूसरा ड्रेनेज बेसिन यहाँ पे हो, इसका पानी यहाँ जा रहा है, इसका पानी यहाँ जा रहा है, तो ये जो बीच का एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वॉटरशेड बोलते हैं। सो अगर आप इंडिया के केस में यहाँ देखो तो आप देखोगे कि इंडस रिवर सिस्टम पूरा इधर जा रहा है और गंगा रिवर सिस्टम पूरा इधर जा रहा है। तो यहाँ पे अरावली के जो पहाड़ हैं, अरावली जो रेंज है, ये एक वॉटरशेड की तरह एक्ट करती है बिटवीन इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। वॉटरशेड स्मॉल होते हैं एरिया में, और छोटे रिवर बेसिन को भी हम वॉटरशेड बोलते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज, जो इंडिया की रिवर है, इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? थ्री कैटेगरीज में डिवाइड, या फिर इनको तीन अलग अलग बेसिस के हिसाब से पढ़ा जा सकता है। नंबर वन इज डिस्चार्ज ऑफ वाटर। डिस्चार्ज ऑफ वाटर का मतलब कि ये अपना पानी कहाँ पर ड्रेन कर रही हैं, यानी कि इनका पानी अरेबियन सी में जा रहा है या इनका पानी बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। 77% जो नदियां हैं उनका पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है, और बची हुई 23% नदियों का पानी अरेबियन सी में जाता है। बे ऑफ बंगाल वाली है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, और आपकी अरेबियन सी वाली है नर्मदा, तापी, लूनी, साबरमती एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वॉटरशेड, यानी कि अगर नदी नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज को देख ले तो उसके एरिया पूरा, और उसने एरिया कितना कवर किया, उसके हिसाब से भी हम रिवर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें तीन कैटेगरी हैं, मेजर रिवर बेसिन जिनका एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होता है। फिर है मीडियम रिवर बेसिन जिनका एरिया 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होता है। और फिर थर्ड है आपकी माइनर रिवर बेसिन जिनका एरिया 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम का होता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपका, जिसके हिसाब से हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मोड ऑफ ओरिजिन, यानी कि रिवर्स कहाँ पर ओरिजिन हो रही हैं। सो इंडियन ड्रेनेज को आप दो कैटेगरीज, या तो हिमालयन ड्रेनेज होगा यानी कि या तो रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होगी, या फिर रिवर पेनिनसुलर पोर्शन ऑफ इंडिया से ओरिजिनेट होगी। अगर हम हिमालयन ड्रेनेज की बात करें तो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र और इनसे जुड़ी हुई इनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो सारी की सारी हिमालयन ड्रेनेज का पार्ट बनती हैं।
इनको पानी स्नो से भी मिलता है और बारिश से भी मिलता है, इसीलिए इनमें पानी साल भर होता है, यानी पेरिनियल का मतलब साल भर पानी होता है। ये बड़े बड़े गॉर्जेस बनाती है, मैंने कल भी बताया था आपको, यू शेप्ड वैलीज को हम क्या बोलते हैं, गॉर्जेस बोलते हैं। हिमालयस के अपलिफ्टमेंट, हिमालयस के ऊपर उठने की वजह से ये रिवर्स नीचे की तरफ बहना शुरू हो गए। गॉर्जेस के अलावा ये वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं, रैपिड्स बनाती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं इन दी माउंटेनियस रीजन। डिपोजिशनल फीचर्स जैसे कि फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स, ये सब ये फॉर्म करती हैं। नीचे की तरफ यानी कि प्लेन एरियाज में जो रिवर है वो बहुत ज्यादा मियांडर करती है, बहुत ज्यादा घूमती हुई जाती है। एक ये फैक्ट आपने पेपर में देखा होगा, हमें बहुत बार, मतलब मुझे याद भी नहीं, 3-4 बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सौरो ऑफ बिहार किसको कहते हैं। एफकैट ने तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, लाइक मुझे लगता है हर ऑल्टरनेटिव ईयर किसी ना किसी बैच में तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो रिवर कोसी ऑल्सो नोन एज दी सौरो ऑफ बिहार। इसको क्यों सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, क्योंकि ये अपना सब चेंज करती रहती है, कभी कहीं से आ रही है, कभी कहीं से आ रही है, कभी कहीं से आ रही है, लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं, एंड दैट इज द रीजन ये आपका काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज की। इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज यानी कि ये जो हिमालय से रिवर आना शुरू हुई ये ओरिजिनेट कैसे। तो ऐसा अलग अलग ओपिनियन है सबके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कहता है कि एक माइटी यानी कि एक बहुत बड़ी सी नदी थी जिसका नाम शिवालिक था, या फिर इसको इंडो ब्रह्मा भी बोल सकते हो, ये पूरे जहां आज आपके हिमालयाज हैं उसके पूरे यहाँ पे बहा करती थी और अपना पानी गल्फ ऑफ सिंध में ये डालती थी। ये मियोसीन पीरियड के दौरान होता था। फिर क्या हुआ, इंडो ब्रह्मा रिवर डिसेंबर्ड इंटू 3 मेन ड्रेनेज पैटर्न। तो जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई और हिमालयाज खड़े हो गए, तो वो रिवर जो पहले यहाँ से जाके यहाँ पे पानी ड्रेन कर रही थी वो 3 अलग अलग हिस्सों में टूट गई। एक का पानी इधर जाने लगा, एक का पानी नीचे से यहाँ आ गया और एक का पानी इस तरफ को बह गया। फॉर एज यू नो, इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, गंगा रिवर और उसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, और ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी असम हिमालयाज के कुछ डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज। तो अब फिर से बता दूं, एक मेन रिवर थी जो कि कोलिजन के बाद जो कन्वर्जेंस हुई जो प्लेट की, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की, तो एक नदी इंडस के फॉर्म में इधर चली गई, दूसरी गंगा के फॉर्म में नीचे आ गई और तीसरी यहां से ब्रह्मपुत्र के फॉर्म में आपके तीनों अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो अगर हम रिवर सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज के रिवर सिस्टम की अगर बात करें, एक मिनट, हाँ मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे करो पास ना मैम, नोट्स में आप जो हाईलाइट किए हैं सिर्फ उसी का नोट्स बनाऊँ। हाँ मैंने मैंने सारा चैप्टर रीड करके ही आपके लिए बनाया है, ठीक है प्रियंका। टेलीग्राम पे सर्च कर लो प्राची सोनी बायजूस एग्जाम प्रेप और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इंडस, सबसे पहले हम इंडस सिस्टम की बात करेंगे, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा रिवर का बेसिन है, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। टोटल लेंथ इसकी 2,880 किलोमीटर है। पुराना नाम इसका सिंधु है और इसकी जो वेस्ट, ये इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट, इज अ वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर, इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोकरचू। It originates from a glacier near Bokarchu in the Kailash mountain range. तिब्बत में इस रिवर को सिंघी कंबन बोलते हैं या फिर लॉयंस माउथ बोलते हैं, सॉरी इस कैलाश माउंटेन को सिंघी कंबन बोलते हैं। और ये लद्दाख रेंज और जस्कार रेंज, ये लद्दाख रेंज है, ये जस्कार रेंज है, इसके बीच में से गुजरती है। पाकिस्तान एंटर करती है चिलास के पास इन दर्दिस्तान रीजन। इसकी नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं श्योक, गिलगेट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शीगर, दस्तगास्तिंग, द्रास। इसकी कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक क्या है। अगर रिवर इस तरफ जा रही है तो ये डायरेक्शन जो हो जाएगा ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी और इस तरफ से जुड़ने वाली रिवर्स इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। मान लो अगर रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है
तो इधर से जुड़ने वाली इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी और इधर से जुड़ने वाली इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है इंडस इस डायरेक्शन में जाती है। तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? खुर्रम, टोची, गोमल, विबोआ, संगार। ये कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं बताता है, और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन आ जाएगा तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज मेंशनड इन योर एनसीईआरटी। रिसीव पंजनाड, ये इसको पंजनाड मिलता है मिठानकोट के पास। अब मैम पंजनाड क्या है? पंजनाड पंजाब की 5 नदियों को बोला जाता है पंजनाड। कौन सी नदी है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड चेना। ये अपना पानी फाइनली ये पानी कहां पे ड्रेन करती है? ये अरेबियन सी में ड्रेन करती है, और इंडिया में ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में बहती है। जय हिंद विमलेश। नेक्स्ट इज झेलम। झेलम जो है ये वेरिना के स्प्रिंग से रेज होती है। बुलर लेक इसी रिवर पर स्थित है। चेनाब, चेनाब 2 नदियों से मिलके बनी है, चंद्र और भाग। इसको कहीं हिमाचल में चंद्र भाग भी बोला जाता है। ये कुछ 1180 किलोमीटर बहती है और फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट इज योर रावी रिवर। ये रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है और ये भी चेनाब से मिलती है सराय सिंधु के पास। नेक्स्ट इज योर ब्यास रिवर। ये ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है और ये सतलज में मीट करती है नियर हारी के। यानी कि ये जो ब्यास रिवर है ये सतलज से ही मिल जाती है, पंजाब में ही मिल जाती है। रिवर इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सतलज जो है ये राक्षस ताल, ये भी मानसरोवर, आप देखोगे ना ये मानसरोवर है, तो मानसरोवर के इधर ऊपर से जा रही है आपकी इंडस, ये इस साइड से जा रही है सतलज और इस साइड से जा रही है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये राक्षस ताल से ओरिजिनेट होती है मानसरोवर में। इसको लांगचेप खम्बाब बोलते हैं तिब्बत में। ये इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास से, बहुत जरूरी है, शिपकिला पास से एंटर करती है इन इंडिया। ये एक एंटीसिडेंट रिवर है, यानी कि ये इंडिया और अगेन इंडिया और आपका यूरेशियन प्लेट के टक्कर होने से पहले से चल रही थी। इस पे एक बहुत फेमस डैम है जिसका नाम है भाकरा नंगल डैम। नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, 2014 में शुरू किया था हमारी यूनियन, मोदी जी ने शुरू किया था। इस प्रोग्राम के कुछ फीचर्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गंगा सिस्टम की, तो गंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। हाँ, तो ये जो गंगा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी। एंड इसका एक तो इसका एरिया भी बहुत बड़ा है और इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस, यानी कि आप लोग क्लास का लिंक शेयर करिए, बहुत कम बच्चे आए हैं क्लास में, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। गंगा सिस्टम की तो इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख से ओरिजिनेट होती है। इसको भागीरथी भी बोला जाता है। इसको भागीरथी क्यों बोला जाता है? क्योंकि भागीरथ लाए थे इसको। क्यों लाए थे और क्या था इसकी स्टोरी, आपको पता होनी चाहिए। देव प्रयाग, 5 प्रयाग हैं, आपको पता होगा 5 प्रयाग। देव प्रयाग पे भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। अलकनंदा का जो सोर्स है वो सतोपंत ग्लेशियर में है नियर बद्रीनाथ। जो अलकनंदा है ये धौली और विष्णु गंगा है, जो कि जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग पर मिलती है। पिंडर नदी कर्ण प्रयाग पर मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग पर मिलती है। और फाइनली ये गंगा हरिद्वार में प्लेन एरिया में एंटर करती है। फिर नीचे जाके ये आपकी भागीरथी और पद्मा नाम की 2 ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है। जो रिवर है इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से गुजरती है। टोटल 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। इसमें जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पेरिनियल भी हैं, यानी कि जिनमें साल भर पानी होता है, और नॉन पेरिनियल भी हैं जिनमें कभी कभी पानी होता है, जबकि सीजनल रिवर्स होती हैं। सोन जो है ये इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मैंने बताया ना रिवर इधर जा रही है, इधर से जुड़ने वाली इसकी राइट बैंक होगी। तो सोन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
तो इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और महानंदा। ये भी अपना पानी बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में डालते। फिर अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई है। गंगा से प्रयाग यानी कि अलाहाबाद में मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेटवा, केन। और इसकी ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ऑन इट्स राइट बैंक फ्रॉम दी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। अगेन ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, पेपर में आ जाएगा, तो किसी को आप ब्लेम नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव चंबल। जो चंबल है ये माहू माहू से ओरिजिनेट होती है। गांधी सागर डैम बहुत फेमस डैम इस पर ही है। ये रिवर बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है, आपने सुना होगा चंबल की घाटियां बहुत रेवाइंस के लिए फेमस है। ये गंडक रिवर काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलके बनी है। नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है और गंगा से पटना के पास सोनपुर में मिलती है। जो घग्गर रिवर है ये ग्लेशियर मापा चुंगलो मापा मापचा चुंगो ग्लेशियर पे ओरिजिनेट होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तीला, सेती और बेरी। और ये भी गंगा से छपरा में मिलती है। दिस इज अगेन नियर पटना। नेक्स्ट इज कोसी रिवर। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो अरुण, मतलब ये जो जिस नाम से ये शुरू होती है, ये अरुण के नाम से शुरू होती है नेपाल में। इंडिया में इसको कोसी बोल देते हैं। रामगंगा कंपैरेटिवली स्लो रिवर है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है, स्पीड कम है इसकी। गढ़वाल हिल्स से शुरू होती है गैरसैन में और कन्नौज के पास गंगा से मिलती है। दामोदर नदी ये एक्चुअली में गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी से मिलती है। क्या मतलब हो गया? यानी कि ये गंगा गंगा का एक पोर्शन यानी कि हुगली नाम की रिवर नीचे चली जाती है वेस्ट बंगाल से। दामोदर रिवर ये रिवर है जो कि हुगली से मिलती है। ठीक है, तो जो दामोदर रिवर है ये रिफ्ट वैली से जाती है और ये हुगली को जाके मिल जाती है। बराकर दामोदर रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? बराकर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। दामोदर रिवर को सोरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है क्योंकि ये भी रिस्पॉन्सिबल थी बंगाल में फ्लड्स लाने के लिए। आई एम गुड सोफिया, हाउ आर यू? नेक्स्ट इज शारदा या फिर सरयू रिवर। ये मिलाम ग्लेशियर नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है। इसको गोरी गंगा भी बोलते हैं। महानंदा नदी ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, दार्जिलिंग हिल्स से शुरू होती है। सोन ये साउथ बैंक यानी कि साउथ से जुड़ने वाली रिवर है जो कि गंगा में मिलती है। ये अमरकंटक के प्लेट्यू अमरकंटक के पहाड़ पठार से ओरिजिनेट होती है और गंगा से अरहा में मिलती है। अब आपको मैं बता दूं अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में। अमरकंटक प्लेट्यू के ऊपर से जाती है सोन, इधर से जाती है दामोदर, इधर से जाती है नर्मदा और इधर से जाती है महानदी। तो ये कौन सा ड्रेनेज पैटर्न हो गया? सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है ये। आप सब लोग लिखिए इन दी लाइव चैट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है कैलाश रेंज मानसरोवर में और ईस्टवर्ड इस तरफ यानी कि इधर से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। तिब्बत में इसका नाम सैंगपो है। इसका मतलब हो गया प्यूरिफायर, मतलब हो गया प्यूरिफायर। ये जो रैंगो रैंगो सैंगपो है ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है जो कि इसे तिब्बत में मिलती है। एक काफी डीप गॉर्ज बनाती हुई इंडिया में एंटर करती है नामचा बरवा में, जहां पे इसका नाम सियांग या फिर दिहांग पड़ता है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट से जो इसको मिल रही हैं दिबांग, सिकांग और लोहित। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बूढ़ी दिहांग, धनसरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोच। सुबनसरी जो है ये एक एंसीडेंट रिवर है। तीस्ता रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो इसको राइट बैंक में ज्वाइन करती है और ये तीस्ता रिवर आखिरी नदी है जो कि इंडिया में ओरिजिन इंडिया से गुजरती हुई जाती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर जाके पद्मा नदी से मिल जाती है और फिर ये तो क्या है ना, ये गंगा आ रही है, ये गंगा आई इस तरफ से, ऊपर से ब्रह्मपुत्र आई और ये आगे बही और यहां से एक रिवर आई मेघना और ये आगे इसमें मिल गई। तो क्या है, ये है आपकी, यहां तक इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं,
बांग्लादेश में जब एंटर कर जाती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है, इसको गंगा बोलते हैं। बांग्लादेश में जब ये एंटर कर जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। फिर ये पद्मा बन के यहाँ पे बह रही है, ये पद्मा है। फिर यहां से एक रिवर आ रही है मेघना, ये रवि उससे मिल जाती है, और ये मेघना के नाम से दोनों बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। बहुत ज्यादा बैंक इरोजन वगैरह करती है और कीप शिफ्टिंग इट्स। अब उसके बाद हम बात करेंगे आपकी पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न की। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है ये हिमालय से भी पुराना है, बहुत बहुत ग्रेड हो गया है, खराब हो गया है, और जो वैलीज हैं शैलो है, यानी कि ज्यादा गहरी वैलीज नहीं है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये वाटर डिवाइड की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि एक मिनट, यानी कि ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनके इस तरफ की जो रिवर है वो इस तरफ पानी डालती हैं और इधर की रिवर इधर पानी डालती है, तो ये एक वाटर डिवाइड की तरह एक्ट करता है। नर्मदा जो तापी है वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, चंबल, सिंध, बेटवा, केन और सोन ये ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। जो मेजर रिवर सिस्टम है इसका वो है आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। फिर अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें इन दी पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न, हाँ पहले हम ये बात करेंगे ये रिवर्स जो हैं एब्सेंस, बहुत ज्यादा मियांडर्स नहीं होते हैं इनमें, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे नहीं चलती हैं, जनरली सीधी सीधी फ्लो कर रही हैं। नॉन पेरिनियल यानी कि साल भर इनमें पानी नहीं होता है। नर्मदा और जो तापी है वो रिफ्ट वैली से गुजरती है, यानी कि इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, इसके बीच में से गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है ये ओरिजिनेट हुआ कैसे। ठीक है, तो ये एक मिनट यार, ये ओरिजिनेट हुआ कैसे, इसकी तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न प्लान। तो क्या था, जब इंडिया की प्लेट यूरोपियन प्लेट से टकराई तो इसका इतना पोर्शन नीचे गिर गया, तो जिसकी वजह से जो ये सीधी जा रही थी ये ऐसे हो गया, इंडिया का जो इंडिया ऐसा था बैलेंस था, बट पोर्शन नीचे गिरने की वजह से इधर से हल्का हो गया और इस तरफ को तरफ झुक गया। सो इसकी वजह से जितनी भी रिवर्स पहले इधर की तरफ जा रही थी उनका रास्ता बदल गया और वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग गए। अपहीवल ऑफ हिमालयाज व्हेन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू सब्सिडेंस। हिमालयाज के ऊपर उठने की वजह से भी ये जो रिवर्स थे ये नीचे की तरफ फ्लो करने लग गई। एंड थर्ड, क्योंकि जब इंडिया ये जो वाला पोर्शन नीचे गिरा तो ये वाला पोर्शन हल्का हो गया, ये ऊपर हो गया, तो हल्की सी टिल्टिंग के कारण भी जो रिवर्स हैं वो आपकी साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करने लग। अगर हम इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें पेनिनसुलर पार्ट में, तो महानदी रिवर जो है ये सिहावा रायपुर से ओरिजिनेट होती है, 851 किलोमीटर्स की है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है। गोदावरी लार्जेस्ट पेरिनियल रिवर है, इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। ये पेनिनसुलर इंडिया यानी कि साउथ इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी रिवर है, इसकी लेंथ 14,065 किलोमीटर्स। पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मंजरा कुछ इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। यार रेड कलर से मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, ब्लैक भी नहीं दिखेगा। और कौन सा कलर करूँ, ब्लू ठीक है, पर ब्लू फिर स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, लाइट ब्लू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कृष्णा, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है और ये महाबलेश्वर साहिद्री से ओरिजिनेट होती है, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट अप वी हैव इज तापी रिवर। तापी रिवर मुलताई बेतुल से ओरिजिनेट होती है, 724 किलोमीटर्स की है और 65,145 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे पानी ड्रेन करती है। लूनी रिवर लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान की, यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। ये अरावलीज के वेस्ट में, यानी कि अगर ये अरावलीज है तो इसके वेस्ट से निकलती है, और ये जो इंटायर सिस्टम है ये एफिमेरल है, यानी कि इसमें एक भी नदी ऐसी नहीं है जिसमें साल भर पानी आता हो। नेक्स्ट अप वी हैव इज कावेरी रिवर, ये ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है, 800 किलोमीटर लंबी है, और इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2000 अभी बहुत रिसेंटली पिछले साल आई थिंक 2021-2 में ये क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी सर्दन रिवर है जो कि पेरिनियल है जिसमें साल भर पानी होता है, तो वो आपकी कावेरी रिवर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वाले पोर्शन को पानी बारिश मिलती है साउथ वेस्ट मानसून से, और नीचे वाले पोर्शन को बारिश मिलती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, तो
इस रिवर में थ्रू आउट द ईयर आपको पानी मिलेगा। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं काबिनी, भवानी और अमरावती। फिर है नर्मदा, ये अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, हाइट ये 1057 मीटर्स की हाइट पर है। सतपुरा रेंज इसके साउथ में है, विंध्या नॉर्थ में, और इसके बीच में से ये निकलती है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस पे नर्मदा रिवर पर स्थित है। अब हम कुछ बात करेंगे कुछ छोटी छोटी रिवर्स जो कि आपकी वेस्ट साइड में पानी, यानी कि वो रिवर्स जो कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं, यानी कि जो अपना पानी अरेबियन सी में डालती है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि शेत्रुंजी रिवर जो है ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, भद्रा नदी ये भी गुजरात में है, धाधर धद्धर ये भी गुजरात में है, साबरमती और माही ये दोनों भी गुजरात की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैतरणा रिवर की, ये त्रिंबक हिल से ओरिजिनेट होती है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, काली नदी बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, बेड़ती रिवर हुबली धरवार से, श्रवती रिवर जिसपे आपके फेमस जॉग फॉल्स भी स्थित हैं ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है। गोवा की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं मंडोवी और जुआरी, ये आपको पता होना चाहिए मंडोवी और जुआरी। मंडोवी रिवर गोवा की नेशनल मतलब स्टेट रिवर भी है। केरला की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है भरतपुज़ा, अन्नामलाई हिल्स पे ओरिजिनेट होती है, इसको पोन्नड़ी भी बोलते हैं। पेरियार रिवर भी केरला की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है और इम्पॉर्टेंट रिवर है। पंबा रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि विम्बनाड लेक को पानी, विम्बनाड लेक मैंने बताया भी था पीछे, काफी लंबी सी ये लॉन्गेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी लेंथ में सबसे लंबी लेक है, और इसको पानी पंबा रिवर से मिलता है। देन हम बात करेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, यानी कि ईस्ट में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी कौन सी हैं, सुबर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, वंशधारा, पिन्नार, पल्लार और वैगई। नेक्स्ट रिवर रिजीम्स, रिवर रिजीम्स क्या होता है, पैटर्न यानी कि रिवर किस कितना पानी उसमें किस टाइम पे है, यानी कि कुछ नदियां हैं जिन जैसे कि गंगा का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो गंगा में सबसे ज्यादा पानी बारिश के मौसम जुलाई अगस्त में होता है, सबसे कम पानी सर्दियों में होता है क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर सॉलिड होते हैं, पानी का फ्लो सबसे ज्यादा कम होगा आपके सर्दियों के मौसम में। तो पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर यानी कि कितना फ्लो है वाटर में रिवर चैनल्स में, ये उसके रिजीम से पता चलता है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको हर दिन 9 बजे रात को करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पे। ये करंट अफेयर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपने इनके लिए कोई पैसा नहीं देना है। आपको इस करंट अफेयर्स की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन 27 मिनट्स ऑन द बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप। ये हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स का एक डिविजन है, कंपेरिजन है, इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम, डिस्चार्ज क्या है कि कितना वॉल्यूम ऑफ पानी फ्लो हो रहा है रिवर से, इसको किसमें मेजर किया जाता है, इसको क्यूसेक्स में मेजर किया जाता है, किसमें मेजर किया जाता है, क्यूसेक्स में। गंगा हैज इट्स मिनिमम फ्लो ड्यूरिंग जनवरी से जून पीरियड में जैसे कि, और मैक्सिमम फ्लो हो गया अगस्त से सेप्टेम्बर। अगर हम यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर की बात करें तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर पर ईयर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह पे पानी नहीं है, कहीं पे बहुत पानी है, इतना पानी है कि फ्लड आ रहे हैं, कहीं पे बिल्कुल पानी नहीं है कि लोगों को प्यासा रहना पड़ रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यास की वजह से पानी की वजह से मर भी रहे हैं। दीज आर सर्टन क्वेश्चन, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जैसे कि सौरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, दामोदर रिवर को बोलते हैं, लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है इंडिया में, गंगा का है। फ्लोइंग रिवर नॉट इंक्लूडेड, पंजनाड में कौन सी रिवर नहीं है, तो इंडस रिवर तो खुद इंडस रिवर में तो जुड़ती हैं। कौन सी रिवर रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है, तो नर्मदा रिवर फ्लो करती है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है, आपकी देवप्रयाग पे मिलती है। दीज आर सर्टेन, जो कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप इन्हें भी सॉल्व करके देख सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं बजाया है तो दबाइए, सो दैट अगर कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर आ रही है तो वो आपको मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड, और कल का दिन भी आपका अच्छा हो। कल फिर से मिलेंगे रात को 8 बजे
क्लाइमेटोलॉजी पे हम डिस्कशन करेंगे, इंडिया के क्लाइमेट पैटर्न पे। सी यू, जय हिंद, गुड बाय।